हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या निकलते हैं। और इसमें आज डाली है हल्दी, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि आप लोगों में से काफ़ी लोग की तबीयत ख़राब है, ये वाली चीज़ है। अब ये तबीयत किसकी वजह से ख़राब है, मुझे ना समाओ आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो लेट्स सी कि क्या है। तो हीलिंग के लिए, आपकी जो हेल्थ इशू हो रहा है उसकी हीलिंग के लिए मैं यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। सो साथ में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। कैंडल जला रही हूँ, प्लेन के ऊपर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। बेसिकली उनकी एनर्जी में हमको टैप इन करना है। जो ड्रॉप गिरा था वो काफ़ी ज़्यादा लगा ना बेचैन है, जैसे कि कोई बात तो करना चाहता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट में है। मुझे क्या लगा ना कि इनके लाइफ में ना टावर सिचुएशन तो है, वो मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। टावर सिचुएशन तो है, आ रहा है, आ चुका है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। स्पेशली मुझे आ चुका है इसका मतलब ऐसा ना, या तो पूरी तरह नहीं है बट शुरू, मतलब अंदाज़ा होता है ना कि आ चुका है वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और ये काफ़ी ज़्यादा ना उस सिचुएशन में अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। कोई तो फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई तो ऐसी न्यूज़ लाइक ना बिज़नेस का कोई लॉस हो या बिज़नेस का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ तो है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ कहीं पे कुछ तो है जो उनको ना एक टावर सिचुएशन की तरह दिख रहा है मुझे कि कुछ तो है। और स्पेशली ये हेल्थ इश्यूज़ उनके हैं वो माइग्रेन या स्टमक रिलेटेड हो सकते हैं। सर दुख रहा है, सर फट रहा है, या फिर पेट खराब है लाइक ना पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। और सेकेंडली या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं। और जो लोग लिटरली इतने कनेक्टेड है ना उनको भी ये टाइप के इश्यूज सामने फेस करने पड़ रहे हैं। आपको भी अचानक से समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द, जैसे अटैक होना है ना, अटैक होना कि सर दर्द का अटैक होना, माइग्रेन अटैक सॉरी जो जिसे कहते हैं, वैसे टाइप का फीलिंग है। तो आप उस वजह से ना ज़्यादा एकदम परेशान मतलब नज़र आ रहा है कि भाई क्या हुआ अचानक से, मैं तो अपने लाइफ में अच्छा खासा थी और था, या क्या मतलब कुछ तो ऐसा किया नहीं है कि जहाँ से मतलब ये अटैकिंग पोजिशन हो। नॉर्मल रूटीन लाइफ है, लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिविटी तो नहीं नज़र आ रही थी, बट अचानक से निगेटिविटी या फिर ऐसा अचानक से एकदम उफान आया है वो चीज़ अपने मतलब आपके लाइफ में ना थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगा था। थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा होने लगा था नहीं, आपने अच्छा फील कराने लगे थे कि पॉजिटिव रह के अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, और अचानक से वापस अटैक मोड में गए हैं आप, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे फील हुई। काफ़ी हद तक ये इनकी एनर्जी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगा ना कि आपको रिपीटिंग एजेंट डबल दिख रहे हैं, जैसे 88 है, 1111 है, 1010 है, या 1114, 1133, ऐसे 2244, ऐसे कुछ एनर्जी नंबर है ना, एंजल नंबर ऐसे ना रिपीटिंग में दिख रहे हैं, जैसे कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। मुझे हार्ट की एनर्जी नज़र आ रही है विद द क्रॉस। मुझे पहले ऐसा लगा कि जैसे ना कोई अपनी एनर्जी पे क्रॉस लगा रहा है, लेकिन हार्ट एनर्जी पे, तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो रही है। मान लीजिए कि किसी को आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग,
बट इंसान का ईगो हो या इंसान के प्रॉब्लम है, अपनी गलती का एहसास हो, ये सब इतना मतलब अपना जो मतलब ना अपनी सोच में इंसान अपने फीलिंग्स अगर जाहिर नहीं कर पा रहा है ना, वो चीज़ है ना ऐसे मन में ना ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट, हार्ट में स्पेशली ब्लॉकेजेस क्रिएट करी है कि दिल की बात है ना उनको लगता है ना अंदर ही अंदर रख के मतलब आपके सामने ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा अचानक से कि उनको ना आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना है। जैसे वो टावर सिचुएशन फेस कर गए, मतलब मान लीजिए किसी का मतलब आपसे दूर होके शादी करने का सोचा किसी और से कि यही भाई ये बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, और वहाँ पे ना लिटरली ऐसा सिचुएशन आ गया कि डिवोर्स लाने की नौबत आ गई है, या फिर पर्सन ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है ना सामने वाला कि मतलब अभी उनको ना लिटरली वो बोलना आपको या आपको पता चलेगा आप तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप हंसेंगे, आप ये भी बोलेंगे ना कि देखो मैंने तो कहा था पहले से ही, तो तुम तो मानने को तैयार नहीं थे, ये वो सारी जो बातें हैं ना अपने ही अंदर ओवर थिंकिंग करके इनको ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि आप है ना अभी इनको बहुत ज़्यादा लाइक ना क्या कहते हैं मतलब चिढ़ाने वाले हो, हंसने वाले हो उनके ऊपर, और फिर बोलते देखा कर लिए ना अपने मन की क्या हो गया, और या फिर अपने कर भुगतो अपने कर्मा को वगैरह ऐसा कुछ बोलेंगे ना, ये जो उनको ना अपनी क्या बोलते हैं उसको इमेजिनेशन में सुनाई दे रहा है, इमेजिनेशन में सुना सुना के ना अपने ही अंदर कुछ ख्याल पुलाव पका रहे हैं, और फिर अजीब से डर रहे हैं, अजीब से रो रहे हैं, अजीब सी एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगा ना कि आपके केस में ये जो है ना जो खास करके एक न्याय की बात होती ना कि जैसे इन्होंने जो किया वही एग्जैक्टली और मुझे खास करके ऐसा लगा ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई पैसे वाली था या पैसे वाली थी इसके लिए किसी को चूज़ किया हो, कोई फाइनेंशियल स्टेटस था या फिर ना वॉट एवर लेकिन कुछ सुंदर था या सुंदर थी इसकी वजह से किया हो, लाइक ना ये बेटर ऑप्शन है। और उसी केस में ना काफ़ी हद तक है ना डिवोर्स के केसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मतलब ऐसा नहीं कि किसी का बट सामने से हो रहा है ना ये चाहते बट वो हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, तो इसकी वजह से ना इनको ये सारी चीज़ें ना मतलब एक कर्मा की तरफ इशारा कर रही है, कर्मा। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना एकदम टेरिबल एनर्जी में है, एक तरफ तो शर्मिंदा होने का एक क्या बोलते हैं इसे एक शर्मिंदा होने का एक एंग्जाइटी हो या फिर हिचकिचाहट हो कि किसी से क्या बोले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो दोस्त है आसपास के लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सुना चुके हैं, और इनको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, ये ज़रूरत कहती हूँ मैं, प्यार से ज़्यादा ना ज़रूरत है, प्यार तो है ही इनको, वो कभी गया नहीं था, वो कभी गया नहीं था, ये बस क्या है ना दो नाव पे सवार होने की कोशिश में थे, बट यहाँ पे अच्छा चल रहा है, आप भी है मतलब पता नहीं क्यों आपके ऊपर जैसे ना एक क्या बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई आप तो कहीं नहीं जाने वाले, घूम फिर के यहीं आने वाले हो, मतलब आप है लाइक आप कहीं नहीं जाएंगे, बट इनको मुझे लगता है ये इंसान ना सिर्फ एक नहीं बहुत सारे जगह पे ऑप्शंस ट्राई किए हैं, लिटरल वर्ड मैं यूज़ करूँ तो मुंह मारे गए हैं, लेकिन अभी ना एक वक्त था जब कुछ हुआ नहीं था, तो इंसान है ना एक के बाद दूसरी गलती करता है, दूसरे के बाद तीसरी गलती करता है, अभी एक वक्त है कि अभी जो सही से गलती की, मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है कि इन्होंने शायद आपको जलाने के लिए या वॉट एवर उनकी जो फितरत है इसके लिए एक अफेयर नहीं दो अफेयर किए, तीन अफेयर ये इधर भी उधर भी ऑफिस में भी दोस्तों में भी इधर भी उधर भी सब किया सही, बट अभी जब इन्होंने शादी की है तब चीज़ें एग्जैक्टली उल्टा हुई, जितना ये कर रहे हैं उतना उल्टा हो रहा है। इंसान लॉयल होने के बजाय या लॉयल तो ये है इनफैक्ट ये लॉयल की प्रूफ दे रहे हैं, लिटरली प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, इनको कहीं पे से लॉयल्टी मान लीजिए कि लॉयल्टी नहीं मिल रही, और इनफैक्ट ऐसा ना कि इज्जत नहीं मिल रही, लिटरली इज्जत नहीं मिल रही, कोई वैल्यू नहीं है,
मतलब कितना भी कुछ करो, कितना भी ये कमाते हो, कितना भी ये खूबसूरत हो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्यों जो सामने वाला इंसान है, ऑफ कोर्स आपने मतलब इन्होंने बहुत बेहतर इंसान चुना था ना उनसे ज़्यादा, तो जो सामने वाला इंसान अपनी अकड़ में है कि भाई मुझे मतलब डिज़र्व करना है तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। और जो लोग तो आप लोग को जानते हैं तो वो तो वही सीधा सुनाते हैं, मैं वो नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं वो नहीं हूँ बेवकूफ़ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे लेटर वी, लेटर ओ, लेटर सी, लेटर जी काफ़ी प्रोमिनेंट सुनाई दे रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ना सन जैसे ना उगता हुआ नज़र आ रहा है, कितना भी कोशिश करें। और यहाँ पे दो लिप्स दिख रहे हैं, मतलब कि बातें हो रही है आपके बारे में, डिस्कशन तो ज़रूर होनी। और मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी लगता है, पॉसिबल है कि उनका नाम सनी हो, सुनी हो, सोनी हो, कुछ ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे एक सन की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे इस अंधेरे में ना अभी सन उग रहा है, सन राइज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। अभी ना अंधेरा ना, जब अंधेरा था तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अभी सब ऐसा ना क्लीन होने वाला है, क्लीन से दिखने वाला है। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारी चीज़ें क्लियर नहीं, धुंधली लग रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हर चीज़ है ना क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई वाली चीज़ मुझे फील हो रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, और हो ना हो चीज़ें अभी बदल रही, चीज़ें अभी बदल रही हैं। इंसान के इमोशंस भी, एक स्ट्रेंथ भी, हर चीज़ बदल रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये जैसे बीमार है ना तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था ना जिसे इनके आवाज़ में भी लाइक ना परेशान नज़र आए, खांसी सर्दी तो छोड़ ही दो, बट आवाज़ में भी थोड़ा सा डाउन फील हो ना तो आप काम से जाते थे, आपका एंग्जाइटी लेवल अलग लेवल पे ऐसा होता था। आज वो शायद इतनी बीमार पड़े हैं या कुछ हो रहा है, टेंशन है, परेशानी है, लेकिन कोई कंसर्न नहीं, कोई केयर नहीं है इसके वक्त, तो भाई आपकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा इंसान मिलना नसीब की बात होती है, और ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। यहाँ पे अगेन मुझे टू नंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है, और एक कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने के कगार पे है, जो मैंने कहा कर्मा का बात है, और काफ़ी हद तक आपका रिलेशन पास्ट लाइफ से जुड़ा है, ये मुझे दिख रहा है आज की रीडिंग में। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। बॉटम डेक है टेम्परेंस, 14 नंबर 2 नंबर 14 नंबर 3 नंबर 7 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 1 नंबर इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेसिकली अभी ये डिवाइन टाइम की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, जितना ये बैलेंस होने की कोशिश, ये ना ये जो चीज़ कर रहे थे ना ओवर
करना, लाइक ना ओवर ईगो, ओवर एंग्जाइटी, ओवर खुद को प्रोटेक्ट करना हो, ओवर थिंकिंग करना हो, हर चीज़ में ओवर चल रहा है, तो उसे बैलेंस किया जा रहा है। नीचे हैंगमैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ऐसा है ना कि ये चीज़ें अभी तक जो रुकी हुई ही है वहाँ पे बदलाव ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ना एक कर्मा का पैटर्न है, भले वो आपको ही सही बट भुगतना है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस, ऐसे ड्रीम्स उनको भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं। इंट्यूशनली या सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इनफैक्ट ये करना चाहते हैं आपसे। जैसे मैंने फील किया ना, उनके साथ हुआ धोखा हो या उनकी बहुत ज़्यादा सोच हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हो कहीं पे है, सो ये एक दुखी एनर्जी में है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने कैसे इंसान को खो दिया। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ में है, और मैंने जैसे फील किया ना, ये इनकी इसमें ना हेल्थ डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं आपसे, और जल्द से जल्द चाहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि एक अजीब सा एम्बैरेसमेंट है, वो जो अपना कार्ड है ना, एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस वाली चीज़ फील हो रही। तो अच्छा लगे या बुरा लगे, कर्मा तो भुगतना है, तो सही से आ तो वही चीज़ हो सकती है। एंड यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मिलना तो होगा, और इनको अपनी दिल की बात कहनी भी होगी, जो भी है, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी फेस करना है ना, क्योंकि जो उन्होंने किया है ना, ये सिर्फ आप तक है, लाइक ना आप तक है, आपने ना मतलब मान लीजिए कि इनको माफ़ी मांगनी है, वो सिर्फ आपसे मांगनी है। आपने दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेली है, लोगों के सामने शर्मिंदगी झेली है, इस इंसान के लिए, इनके लिए तो फिर भी आसान है। आपने बहुत कुछ, मतलब आपका गलती नहीं था, फिर भी आपने इतना सहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मा बहुत हिट करेगा ही ना। अगर इनका आना लेट हो रहा है, तो यूनिवर्स चाहती है कि कुछ चीज़ें वो समझे, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करे, इसमें नहीं कि तकलीफ दे, एक्सपीरियंस करे कि तकलीफ़ क्या होती है, ये शर्मिंदगी क्या होती है, क्या तकलीफ़ से इंसान गुजरता है, रातों को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, ऐसे इंसान से तकलीफ़ से गुजरता है तब क्या फील होता है, ये बस इनको एहसास कराना है। अगर इजीली आए, आप तो तैयार ही हो भाई माफ़ करने के लिए, पता नहीं क्यों आपसे नहीं होगा, झटकना नहीं होता बट इसी इंसान के लिए नहीं होता, वरना आप कितने स्ट्रांग हैं ये दुनिया जानती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें इनको समझाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मा आपको हो या किसी को सहन करना ही है, बस उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बदलना, लेसन सीखना, समझ लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उनके साथ हो रहा है और ये इनको समझना बहुत ज़रूरी था, ये हो रहा है। तो सी, तो ये थी रीडिंग, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस निकाल रही हूँ। गार्डियन एंजल, सो जैसे मैंने फील किया था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, और एंजल्स, डिवाइन टाइमिंग की मैंने बात की ना, कि एंजल्स आपके साथ हैं, ये जो भी हो रहा है ना, हर चीज़ में ये एंजल्स आपको दिखाना चाहते हैं कि हाउ दिस थिंग्स वर्क, कैसे है, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। सो आपकी तरफ है ना कम्युनिकेशन आएगा, सब चीज़ आएगा, और ये जो सच्चाई है ना वो भी आएगी, ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी, वो आएगी ज़रूर। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।